हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहिल और मैं आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो पे हम ये जो चार्जिंग बल्ब है ये रिपेयर करने वाले हैं। इसका जो प्रॉब्लम है कि ये जो है इसका चार्जिंग जो है ज़्यादा देर नहीं टिकता है, या आधा घंटा या 15 मिनट ही चलता है और बंद हो जाता है, तो इसे हम रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो इसका ऊपर का जो ये कवर है ये खोल लेना है। इसे हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये देखिए ये खटकी हो गया, आप ये खुल जाएगा। इसके बाद जो है हम इसके जो 3 स्क्रू है ये खोल लेंगे। फिलहाल मैं 2 ही स्क्रू खोल लिए मैंने। ये जो स्क्रू है ये पट्टी टूट गया है तो 2 स्क्रू जो खोल लिए मैंने। फिर इसके बाद जो इसे मैं निकाल लूँगा। ये निकालने के बाद आपका जो बैटरी है आपको वो ऊपर खींच लेना है जिससे कि वो आराम से निकल जाएगा। इसके बाद जो है इसका ये प्लस और माइनस, इसमें से मैं एक निकाल लेता हूँ। मैं अपनी शोल्डिंग गन जो है गरम कर लेता हूँ। इसके बाद जो है जैसे कि आप जानते हो कि इसका जो है बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी जो है ज़्यादा देर नहीं टिक रहा है, तो ये हमारा नया बैटरी है। ये आपको मार्केट में 50 से 60 रुपये का मिल जाता है, तो आप ये मार्केट से ले सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप में आपको मिल जाएगा ये साइज़, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसका 4 वोल्ट 1.0 एम्पियर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसका मैंने जो शोल्डिंग था बैटरी का प्लस माइनस वो निकाल लिया है, और अब जो है मैं इसे लगा दूंगा। इसके प्लस में मैं अपना रेड वायर लगा दूंगा और माइनस में ब्लैक वायर। और अब ब्लैक वायर नहीं लगा इसका, फिर से मैं अच्छे से इसे शोल्डर कर दूंगा। जैसे भी कि आप देख सकते हो हमने जो शोल्डिंग कर दिया है। इसके बाद मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि हमारा जो रिपेयरिंग है वो सक्सेसफुल हो गया है। ये देखिए हमारा जो रिपेयरिंग है, चार्जिंग टॉर्च जो है वो ऑन हो गई है। अब इसे हम जो है फिर से फिट कर देंगे। ये बैटरी थोड़ा आपको हार्ड जाएगा क्योंकि इसका साइज़ जो है वो और साइज़ है, ठीक है। अगर आपको सेम साइज़ मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए ये थोड़ा हार्ड गया लेकिन फिट हो गया अच्छी तरीके से। फिर इसे हम जो है जैसे हमने निकाला था वैसे हम इसे फिट कर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, और आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।